नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल पहाड़ी के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं शंकर नौटियाल। दोस्तों, आज हम आपको जिस फेमस लोकेशन पर लेके जाने वाले हैं वो देहरादून का सबसे ज़्यादा पीसफुल प्लेस है। दोस्तों, जिस जगह की मैं बात कर रहा हूं वो अपनी ब्यूटीफुल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ के लिए फेमस है। तो दोस्तों, अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि मैं किस लोकेशन की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ बुद्ध टेम्पल की। दोस्तों, तिब्बतन लोगों ने 1965 में अपने कल्चर और अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे बनाया था। और दोस्तों, आज हम तिब्बतन कल्चर उनके रिलीजन को बहुत पास से देखेंगे, तो चलो आपको ले चलते हैं। रुको 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 रुको, सेफ्टी फर्स्ट दोस्तों, एक सेकेंड। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं टशी किल मोनेस्ट्री। अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों ये सबसे पीसफुल प्लेस है। चलो चलते हैं। जैसे ही आप यहाँ से पहले आओगे, एंट्री करोगे, तो सबसे पहले आपको यही चक्र दिखेगा। दोस्तों, तिब्बती लैंग्वेज में इस चक्र को कहते हैं मनी खोला, मनी खोला। तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं और तिब्बती लोग मानते हैं कि जो ये है चक्र जो है, इसको घुमाने से पुण्य मिलता है। जैसे हिंदू धर्म में मानते हैं कि जो गंगा नदी है उसमें नहाने से पुण्य मिलता है, वैसे ही तिब्बती में जो तिब्बती रिलीजन है जो उसमें मानते हैं कि इस चक्र को घुमाने से पुण्य मिलता है, आपको दुख जो है आपके वो ख़त्म होते हैं एक प्रकार से, इस टाइप से ये क्या है, पुण्य का काम है। तो दोस्तों, हम भी इस पुण्य को काम को करते हैं, तो चलो। दोस्तों, तो ये पीछे धर्म चक्र है और इसके बारे में अभी हमें लामा जी बताएंगे, तो थोड़ा सा इनसे जानते हैं धर्म चक्र के बारे में। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज मैं जो हमारे धर्म चक्र है इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। इसमें लाखों मंत्र होते हैं जो हम प्रिंट करके और इसमें अंदर में रोल करते हैं, जो लाखों मंत्र होते हैं उसको रोल करके फिर चक्र बनाते हैं। उसके बाद फिर हमको हर रोज़, चाहे कोई भी हो, फिर सुबह लोग मंदिर चक्र करते हैं या कोई अभी जैसे बूढ़े आदमी हो भी चक्र करते हैं। इससे हम क्या मानते हैं कि पाप होता है और ये करें हमारा पाप धुल जाता है, जैसे हम बताते हैं।
लाइक इसीलिए हम ये सब करते हैं। दोस्तों जैसे आप धर्म चक्र को घुमाते हैं, पुण्य का काम करते हैं, उसके बाद आप जैसे ही अंदर आते हैं तो सबसे पहले आपको प्रेयर हॉल दिखेगा। लामा जी लोग पूजा करते हैं, अपनी पूजा अर्चना करते हैं सुबह और शाम को दो टाइम। तो इस प्रार्थना हॉल के बारे में भी हमें लामा जी बताएंगे, तो जानते हैं इनसे। सो गाइस, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अबाउट आवर प्रेयर हॉल व्हिच वी डूइंग प्रेयर एट द मॉर्निंग एवरी डे। दिस इज दिस प्रेयर हॉल, आई मीन दिस मोनेस्ट्री इज one of the oldest Tibetan monastery in India, and the first one. So this is the oldest one. So every day we are doing prayer at the morning, and otherwise when the special day, so we are doing special great puja as we doing nowadays. So nowadays is a very special day for us, and doing special puja as we are doing right now inside of monastery for 8 days.